हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का यानी कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट का आज न्यू कंसेप्ट के साथ आए हैं। और आज का कंसेप्ट ये है कि हाउ विल यू क्लासिफाई कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। और पिछले वीडियोज में हम लोगों ने मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखा था। सो आज के वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि वाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें दो नए स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, वो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक एंड Stick to the video till end, please. तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ, दो तरह से देखेंगे क्लासिफिकेशन। सॉलिड के अंदर वही सब आ जाएगा आपका कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। और दो तरह से देखेंगे, एक देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे और दूसरा देखेंगे एनर्जी गैप के बेसिस पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा था व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये बात को देखेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप याद रखो क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा तो वो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा कि सेमीकंडक्टर होगा, ये बातों को देखेंगे। और एनर्जी गैप के बेसिस में भी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के डिफरेंसेस को देखेंगे। ये होता है एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं। तो ये सारी टॉपिक्स को आज हम लोगों को यहां देखने के लिए आए हैं। तो स्टिक टू द वीडियो। So, बचपन में हमें सिखाया गया था कि देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पर वो बचपन की बात थी, इनकम्प्लीट बात थी। एक्चुअली देयर आर फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर? फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट। और सॉलिड जो है हम लोगों का आज का टॉपिक है, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और सॉलिड इज क्लासिफाइड इंटू थ्री, बोलो, कंडक्टर या मेटल, सेमीकंडक्टर अर्ध मेटल या अर्धचालक, और इंसुलेटर। ये तीन टॉपिक्स हम लोगों को देखना है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर अंदर सॉलिड्स। मगर चूंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और स्टेट्स ऑफ मैटर यहां पर पांच है, याद करो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन हम लोग जानते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। प्लाज्मा क्या है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। प्लाज्मा के बारे में बोला जाता है कि 99.99% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। बापरे, सारा यूनिवर्स ही वही और हम जानते ही नहीं कि प्लाज्मा क्या है, ये कैसे हो सकता है? या तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है यार, हम लोग तो एक चोटी से भी छोटे, मच्छर से पंख से भी छोटे, वी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिवर्स, और हमारा नॉलेज भी बहुत लिमिटेड है। सो लेट्स सी द डिफरेंसेस ऑफ ऑल द फाइव एटम्स। देखो बेटा, क्यों हम लोगों का डिफरेंट फेज एग्जिस्ट करता है और क्यों पांच तरह का मैटर से एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस And has mass is known as matter. जैसे हम भी matter हैं क्योंकि हम एक पाई के में स्पेस को, और mass भी है, electron भी matter है क्योंकि वो भी mass रखता है 9.1 × 10⁻³⁰ kg, और वो space occupy कर रहा है, बहुत छोटा पर कर तो रहा है, इसलिए वो matter हो जाएगा। तो जब matters का जो classification है उसको समझा जाए। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। मॉलिक्यूल्स हमेशा घूमता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, और कॉन्स्टेंटली बंपिंग इन टू वन अनदर, एक दूसरे में वो जंप, बंप, ओवरलैप, इंटरैक्ट, मोशन, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। द स्टेट ऑफ मैटर इज डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन। अब समझ में आया कि पांच स्टेट कहां से बन गया है? उसके पार्टिकल्स का अंदर में मूवमेंट से या उसके अंदर के पैकिंग से बन गया। सॉलिड में एकदम इंटैक्ट रहता है मॉलिक्यूल्स, वो नहीं हिलता है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स फ्री रहता है और वो फ्लो करता है। एनीथिंग व्हिच इज फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। तो लिक्विड जो फ्लो करता है, गैसेस में एकदम लूजली पैक्ड होता है, जो बहुत दूर तक, यहां अतर का बोतल या परफ्यूम का बोतल खोलेंगे तो बहुत दूर तक महक जाती है। रीजन ये है कि वो बहुत लूजली पैक्ड होता है और एयर में पूरा मॉलिक्यूल्स भर जाता है। सो ये तीनों चीज तो हम लोग जानते ही थे, वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम लोग यहां बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा को भी देखेंगे। फिर से देख लो सॉलिड का। सॉलिड में क्या होता है?
पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन अ रेगुलर पैटर्न वाइब्रेट्स बट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह रहता है, अगर मूव करने लगेगा तो वो लिक्विड हो जाएगा। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, हैव मीडियम एनर्जी लेवल एंड फ्लो अराउंड ईच अदर, एक अराउंड के अंदर घूमता है, इसलिए पानी आप देखो वो लिक्विड स्टेट में है, वो अनदर स्टेट ऑफ मैटर है। और गैस जो होता है वो हॉट गैस तो और ज्यादा ही होता है। पार्टिकल्स आर वेल सेपरेटेड वाइब्रेट एंड मूव फ्रीली एट वेरी हाई स्पीड। अब देखो कि बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा क्या है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वॉज गिवन बाई द नेम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर बोस एंड यस एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1920s। हाँ, बोथ इंडियन कंडेंसेट एग्जिस्ट ओनली एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। हाँ, बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट का प्रॉपर्टी नंबर वन है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, लो भी नहीं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एकदम फ्रीज कर देने वाला टेम्परेचर। Behaves as a single molecule, groups of atoms single molecule बन जाता है। इस पे रिसर्च चल रहा है, क्वांटम फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स ये आप सुने होंगे, गॉड पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्टर जो आपका रिएक्टर जो वहां कैलिफोर्निया में काम कर रहा है गॉड पार्टिकल पे, जो बोला था 2012 में प्रलय आ जाएगा और 2012 फिल्म बना दिया, भाई लोग डर गया, वो इसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे ही सारा कुछ बेस्ड है। So, Bose Einstein condensate works on extremely low temperature, और ये extremely low temperature में सारा molecules बन के एक molecule बन जाता है, और इस पर research चल रहा है quantum physics, quantum mechanics पे, God particles पे। So, ये आपका Bose Einstein condensate का detail में अभी research ही चल रहा है। This shows कि we have reached a very small of our engineering and physics। अभी इंसान बहुत ही low level पे, research level पे पहुंचा है इस universe को समझने के लिए। आप जो समझ रहे हो कि हम लोग बहुत जान गए हैं, ये बहुत छोटी सी बात आप बोल रहे हो, हम लोग अभी बहुत कम जाने हैं। जितना ज्ञान आप रखोगे उतना जानोगे कि आप कितना कम जानते हो। द मोर यू नो द लेस, द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज हाउ लेस यू नो। ठीक है, तो अब आपका जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बेटा प्लाज्मा। प्लाज्मा देखो क्या है, ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में था और ये एक्सट्रीमली हॉट में है। तो 99.99% यूनिवर्स जो प्लाज्मा का बना हुआ है, दिस मींस कि ये पूरा एटमॉस्फेयर हॉट है, कोल्ड नहीं है। बिकॉज सूरज है, स्टार्स है, तो उसका कितना रेडिएशन हो रहा होगा। और वेरी हॉट आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड का मतलब समझते हो, आयोन्स प्लस और माइनस नेगेटिव गैसेस बना देता है और इलेक्ट्रिकली चार्ज है, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, कुछ और हम लोग देखते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। हाँ, देखो मोर अबाउट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये थोड़ा सा लाए हैं, थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे हैं ना इंजीनियरिंग में, कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन एन एक्सोटिक क्वांटम फिनोमिना दैट वाज ऑब्जर्व इन डाइल्यूट एटॉमिक गैसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1995। मगर ये नाम फ्रेम कर दिया गया था आपका 1922 में बाय सत्येंद्र बोस, चंद्रशेखर नहीं, सत्येंद्र बोस द इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, जो बोस के साथ, जो आइंस्टीन के साथ लंदन के किसी यूनिवर्सिटी में साथ में दे यूज टू डू रिसर्च एंड दे यूज टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ दैट बैच, और इन्होंने 1920s में इसको फ्रेम कर दिया था। पर 1995 में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि उस वक्त ज्यादा डिवाइसेस होती नहीं थी, तो उन लोगों ने फ्रेम किया था, मगर रिसर्च हुआ 95 में। एंड दिस इज हाउ द सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ओरिजिनेट्स। कंडेंसेट्स क्या होता है, बोस आइंस्टाइन तो नाम हो गया, कंडेंसेट क्या है, कंडेंसेट्स आर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फ्लूइड, फ्लूइड पानी नहीं, एनीथिंग विच फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, कुछ भी हो, तेल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। फ्लूइड कंटेन्स प्रॉपर्टी एंड एग्जिबिट बिहेवियर दैट आर करेंटली नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड। हम बोले थे ना अभी हम लोग बहुत कम जानते हैं, जो अभी तक नहीं समझ पे आया, आ पाया है साइंटिस्ट से लेके किसी को भी, सच एज स्पॉन्टेनियस फ्लोइंग आउट ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लोइंग आउट ऑफ देयर कंटेनर्स, द इफेक्ट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यही क्वांटम मैकेनिक्स को लीड करेगा, विच स्टेट दैट सिंस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल रीजंस कैन टिपिकली बी नेग्लेक्टेड, सिस्टम कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज अक्वायर एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट स्टेप्स। ये सब छोड़ो, यहां पे एक छोटा सा स्टोरी देखो, तो यहां पे स्टोरी ये है, इन 1995 में टू साइंटिस्ट
कर्नल एंड विकेमैन फाइनली क्रिएटेड दिस न्यू स्टेट ऑफ मैटर टू अदर साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन हैड प्रोड्यूस्ड इट इन द 1920। तो 1995 में दो साइंटिस्ट जो किए थे वो किए थे, मगर नाम आ गया था 1920 में। इसलिए नाम आ गया था क्योंकि आइंस्टाइन और मिस्टर बोस के पास में 1920 में ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं था ताकि उस पर वो रिसर्च कर सके। So, solids are classified into three. पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है सेमी कंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा व्हाट इज अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर वो एलिमेंट कंडक्टर होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होगा। द एटम द मटेरियल और द सब्सटेंस हैविंग और द एलिमेंट सब्सटेंस और एलिमेंट having valence electron less than 4 valence electron less than 4 is conductor, चाहे वो दो हो, एक हो, तीन हो, कुछ भी हो, ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल हम लोग यहां ले रहे हैं एल्यूमिनियम का। यू कैन सी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो के में भराएगा 2, L में बनाएगा 8, 8 दो 10 और M में बनाएगा 3। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 3, देखो 1, 2 और 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है, देयरफॉर एल्युमिनियम इज अ कंडक्टर। दूसरा हम लोग देखते हैं कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो 29 को जब हम लोग भरेंगे 28, 18, 32 से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, दिस मींस कि कॉपर भी कंडक्टर है और इसका कंडक्टिविटी एल्युमिनियम से ज्यादा है क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। जितना कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना फ्री टू मूव। और आप देख लो सिल्वर का, तो सिल्वर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है सिल्वर का 47। द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47 और इसको जब 28, 18 और 18 का फॉर्मूला लगाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। इसीलिए सिल्वर का भी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब यहां पर कॉपर और सिल्वर दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो दोनों में कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है? तो कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर is much much greater than conductivity of copper, but it is not used because it is costly. अब बोलोगे सर हाइड्रोजन में भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो क्या हाइड्रोजन भी कंडक्टर है? नहीं, this is exceptional. Hydrogen lies under exceptional condition. तो वो गैस है, ठीक है। So now you got the concept of conductor. Let's see insulator. इंसुलेटर क्या है बेटा? हाँ देखो देखो जल्दी देखो, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर या नॉन मेटल, ठीक है। इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक का फर्क आपको हमने कैपेसिटर में पढ़ा दिया है। तो इंसुलेटर क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मटेरियल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम More than four is insulator. अगर valence electron greater than 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 तक जाएगा, तो वो क्या है? Insulator. Examples देखो, fluorine valence electron कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valence electron है insulator. Chlorine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन भी 7 और आयोडीन भी 7 और लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम यहां पर कंडक्टर है, ये मेटल है क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, ये यहां गलती से आ गया है। मगर नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। फ्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो हम लोग देख ही चुके थे फ्लोरीन कहीं पर फिर से। हाँ देखो फ्लोरीन यहां भी देख चुके हैं। नियॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सोडियम 1, 2, 3, 4, 5, सोडियम तो मेटल है, ये तो मेटल है, एक है। तो नियॉन इज अ इनर्ट गैस। सो दीज वेर द एग्जांपल्स जिसमें आप इसको और उसको छोड़ दो, लिथियम को हटाओ, लिथियम को हटाया जाए और सोडियम को हटाया जाए, तो ये सब नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या है?
सेमी कंडक्टर आधा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या एस डॉट सी. सेमी कंडक्टर आर दोज एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैविंग एग्जैक्टली फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एग्जैक्टली फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर, देन इट इज नोन एज व्हाट, बोलिए, सेमीकंडक्टर. जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकन एंड जर्मेनियम. सिलिकन एंड जर्मेनियम आर द बेस्ट एग्जाम्पल बिकॉज सिलिकन का एटॉमिक नंबर है 14, तो 2, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 4. और जर्मेनियम का है 32, 2, 8, 18 के हिसाब से ये भी बचा 4. ठीक है. सो दीज वेर द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Now, when we have seen the classification of solid on the basis of valence electron, तो जो अगला heading हम लोगों का आया है वो है classification of solid on the basis of energy gap. Energy gap के basis पे हम लोग solids को कैसे classify करेंगे. तो जो सबसे पहला जो हमारा solid है उसका नाम है बेटा conductor. जो फर्स्ट सॉलिड है उसका नाम है कंडक्टर. सो हाउ विल यू क्लासिफाई द कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप. तो एनर्जी गैप पहले समझो क्या होता है. एनर्जी गैप ये होता है कि होता है वैलेंस बैंड, नीचे वाला बैंड को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड. दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड. और बीच का जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप, या इसका दूसरा नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप. फॉरबिडन एनर्जी गैप. सो एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका वैरी करता है. जैसे कंडक्टर में ये ओवरलैप्ड है, इन कंडक्टर इट इज ओवरलैप्ड. इन इंसुलेटर इतना बड़ा गैप है और इन कंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर बहुत कम है. सो पहले वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, एक्चुअली क्या ये सॉलिड बैंड होता है? नहीं, ये सॉलिड बैंड नहीं होता है. एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा अगर न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम रहा है, और ये भी न्यूक्लियस है और यहां भी एटम्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स अगर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बना है वैलेंस बैंड. तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का मौजूदगी होगा, इसीलिए यहां लिखा है वैलेंस बैंड इज फुल. फुल का मतलब 100% फुल नहीं, मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स है. और कंडक्शन बैंड एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब ऑलमोस्ट एम्प्टी. ठीक है, एम्प्टी है, यहां लिखा हुआ है क्या, ऑलमोस्ट एम्प्टी. देखो देखो यहां लिखा हुआ है एम्प्टी, यहां ऑलमोस्ट एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब एकदम खाली है, और फुल का मतलब ऑलमोस्ट फुल. फुल, फुल का मतलब एकदम फुल नहीं, मतलब है अवेलेबल. तो ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, दिस मीन्स कि वैलेंस बैंड से वो अपना कंडक्शन बैंड में चला गया. तो अगर ये चला के बाहर निकल गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, उसी को कंडक्शन बैंड बोला जाता है. तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कोई सॉलिड ऐसा रेक्टेंगुलर चीज नहीं होता, ये समझाने के लिए. तो अब हम लोगों को कंडक्टर के बारे में ये बात को समझ लेना चाहिए कि हाउ द कंडक्टर हैज अ ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देखिए, इन कंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में है आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल, कहीं भी मूव कर सकता है. आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल एंड दस आर शेयर्ड बाय ऑल द एटम्स. तो जो भी नेबरिंग है वो सब से वो शेयर हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, मेटलिक बॉन्ड बनाए, कोई भी बॉन्ड बनाए, तो वो शेयर्ड बाय ऑल द एटम्स हो सकता है. इसीलिए इट हैज, देयरफॉर कंडक्टर हैज वेरी हाई कंडक्टिविटी.
वेरी हाई कंडक्टिविटी, तो उसका कंडक्टिविटी बहुत हाई है। तो बोलेगा कितना हाई है, तो द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज 10^2 to 10^8 साइमन पर मीटर। ये वैल्यू आपको याद रखना है, 8 साइमन पर मीटर, 10^2 to 10^8 साइमन पर मीटर। और इसमें आपका एनर्जी गैप कंडक्टर का पूछेगा कितना होता है, तो एनर्जी गैप ईजी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड उल्टा लिख दिए ना, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप्ड होता है। तो ओवरलैप का मतलब यह है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम का दूसरे एटम में, दूसरे एटम का पहले एटम में शेयर होते रहेगा और एनर्जी गैप का जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं लगाई, इसीलिए मेटल हमेशा गुड कंडक्टर होता है, कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और बहुत लेस एनर्जी में भी आप उसको कंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। तो इससे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग हमेशा याद रखोगे, पहला कि एनर्जी गैप जीरो होता है क्योंकि वो ओवरलैप होता है, दूसरा इसका कंडक्टिविटी हाई होता है 10^2 to 10^8 साइमन पर मीटर। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है इंसुलेटर। इंसुलेटर में देखो क्या होता है कि आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पेरेंट एटम से टाइटली बाउंडेड होता है, पेरेंट एटम से वो टाइट इन इंसुलेटर the valence electron are bound to their parent atom, bound to their parent atom such that very high energy is required, very high energy is required to free the electron. Therefore, conductivity is less and resistivity is more. So, conductivity kitna hai? Conductivity is 10^-8 Simon per meter. Aur energy gap kitna hai? Energy gap is 3 to 15 electron volt. ठीक है, देखो होता क्या है कि आपका, इसको छोटा करके समझाते हैं, होता क्या है कि ये आपका अगर न्यूक्लियस है और यहां से आपका है, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 कम से कम 5 होना चाहिए, तभी इंसुलेटर का मान लो 6 है या 7 है, तो कोई एक फ्री होना चाह भी रहा है, तो इसका जो ये सब भाई बहन है ना, ये इसको टाइटली बॉन्ड किया हुआ है, वही बात यहां लिखे हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू देयर पेरेंट एटम, तो ये इसका गार्जियन बन गया है और इसको ये फ्री मूव होने नहीं देगा, इसीलिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है और रोकने का क्षमता यानी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो जाता है। तो एनर्जी गैप में इसमें 3 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेंज रखा गया है, कितना 3 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 to 15, तो ये गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ भी जा सकता है, इसी को बोला जाता है इंसुलेटर। मगर यहां पर एक सवाल है कि अगर इंसुलेटर का 3 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मान लेते हैं कि डायमंड का जो एनर्जी गैप है, यहां लिखते हैं, लेट्स एज्यूम ईजी ऑफ डायमंड इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो अप्रोक्सीमेटली होता भी होगा, और अगर हम लोग उसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह 6000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी या चार्ज प्रोवाइड कर दें, तो क्या डायमंड कंडक्टर बनेगा? क्योंकि एनर्जी गैप का मतलब ही यही है कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद यहां का इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन तो ओवरलैप है, तभी तो ये कंडक्टर है, तो इतना एनर्जी चाहिए इसको यहां से यहां आने में, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो चाहिए, हम लोग 6 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा देते हैं, 6 करोड़ लगा देते हैं, 600 लगा देते हैं, कुछ भी लगा दो, अब 6 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दे, तो क्या डायमंड कंडक्टर बनेगा?
कभी नहीं बनेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1.16 इनटू पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुम उसको 600 गुना, 6000 गुना, 6 करोड़ गुना तुम्हारी क्षमता है कैपेसिटी 3 घंटा 4 घंटा पर डे पढ़ने का, तुमको 4 लाख घंटा बैठा दिया जाए तो क्या होगा? तुम पढ़ पाओगे? कुछ भी कर लो, यू आर नॉट एबल टू स्टडी फॉर सो मेनी लॉन्ग आवर, दिस इज द कंडीशन, इलेक्ट्रॉन कांट बियर सच अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसका कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो इंसुलेटर हमेशा इंसुलेटर रहेगा, किसी भी केस में कंडक्टर नहीं बन सकता है। हाँ, अब लकड़ी को भिंगा दोगे तो पानी तो कंडक्टर है ना, तो मटेरियली प्रॉपर्टी चेंज कर दिए तुम, ठीक है। सो दिस वॉज इंसुलेटर, नो सी सेमीकंडक्टर। नाउ वी विल सी द लास्ट थिंग अबाउट आवर सॉलिड, दैट इज सेमी कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। देखिए, सेमी कंडक्टर में बॉन्ड्स बहुत वीक होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इन सेमी कंडक्टर द बॉन्ड्स आर वेरी वीक, इतना वीक होता है सो दैट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, जानते हैं कितना स्मॉल, 27 डिग्री, सो दैट इवन एट रूम टेम्परेचर, कितना होता है भाई रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन, इसी को माना गया है रूम टेम्परेचर। इन सेमीकंडक्टर बॉन्ड्स आर वेरी वीक, सो दैट इवन एट रूम टेम्परेचर द बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन, द बॉन्ड्स कैन बी, कौन सा बॉन्ड होता है सेमीकंडक्टर में, कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन and electrons are free to be mobile, और ये mobile हो जाएगा, free हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए thus conductivity and resistivity is moderate, इसका नाम ही है अर्धचालक, सेमी आधा कंडक्टर, क्यों, क्योंकि वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइक करता है और इजिली ब्रेकेबल है, और इसका एनर्जी गैप जो होगा वो है ईजी ऑफ सिलिकन, ईजी ऑफ सेमीकंडक्टर, पहले देखो ईजी ऑफ सेमीकंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर देखो ईजी ऑफ EG of semiconductor 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और EG of silicon is 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और EG of germanium is 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है आपका सेमीकंडक्टर का, दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड, और एनर्जी गैप है। तो एज यू कैन सी द एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर इज बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर। सो दिस वेयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का हम लोगों ने पार्ट जो देखा, और ये देखा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करता है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप कैसे वेरी करता है। अगली वीडियो में हम लोग सिलिकन और जर्मेनियम के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पी टाइप एन टाइप ट्राइवेलेंट बेटा वैलेंट फर्मी एनर्जी, ये सारी चीजों को देखेंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और ऐप में देख लो तो जरूर से शेयर करो और अपना तैयारी करो, और वो परवाज ऐप में सारा टेस्ट टेस्ट सीरीज असाइनमेंट प्रिंटेड क्वेश्चन क्विजेस सब मौजूद है, ये सिर्फ वीडियो लेक्चर है। तो परवाज ऐप जरूर जरूर से डाउनलोड करो, टेलीग्राम में आ जाओ और अपना इन्फॉर्मेशन देखो, और लाइव क्लास के लिए अपने आप को नोटिफाइड करने की कोशिश करिए। थैंक यू, सी यू वेरी मच सून।